तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम बोले भी थे कि आपको जो भी होगा वो लेक्चर सीधा यूट्यूब पे मिल जाएगा ताकि हमारा टाइम बचे क्लास का। तो बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ एकदम बेसिक बेसिक सवाल देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, जिसमें भी वेरिएबल का पावर या कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ वेरिएबल x है, ए एंड ए बी सी है, ए बी सी एंड सो ऑन, या कुछ भी हो, यहाँ तो तीन ही है और कॉन्स्टेंट्स। तो अगर हमने ए बी सी को कॉन्स्टेंट मान लिया तो बचे x एंड x आर वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है अगर वो पावर 2 के इक्वल हो, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो फिजिक्स में आपको बस सिंपल सा काम है कि आपको इसको स्प्लिट करने आना चाहिए, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको थोड़ा सा काम पड़ता है। उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इससे अल्फा और बीटा निकल जाएगा, ठीक है। ये अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया चाहिए होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो रूट्स तो बहुत सिंपल सा बात है कि जो भी ब्रेक करने के बाद या मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो भी वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करके फुलफिल कर दे इक्वेशन को, उसी को बोलेंगे रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक और नाम भी देते, सर आप जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक और नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, डी। सही, अल्फा और बीटा दो रूट्स तो निकल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू आप टेंथ में पढ़ चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए, कितना, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाई ए, ठीक है। ये सब आप टेंथ में पढ़े हुए हैं, बस वापस से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। कोई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जहां पे कि a, b और c कांस्टेंट है, और ध्यान रहे a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, a को हम लोग जीरो के बराबर नहीं कर सकते, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ध्यान रहे bc हो सकता है बट a जीरो के बराबर नहीं हो सकता। x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, सी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होगा। खास बात यह कि यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तभी इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा टू रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करने में जो कुछ भी आएगा उसी को बोलते हैं रूट्स। तो अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इसका एक फॉर्मूला भी होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डी, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ खास बात और देख लेते हैं फटाफट, या तो लिख लो पॉज करके वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बेहतर रहेगा कि आप पॉज करके लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दिखाता नहीं है। ये देखिए बहुत बात, देखो अगर ये डी पॉजिटिव रहा ग्रेटर देन जीरो तो टू रियल रूट्स होता है, इस इक्वेशन का दो रियल रूट मिलना है, इसका ये इक्वेशन। If d is equal to zero, one real root मिलेगा, and if d is less than zero, means कि if d is negative, यहाँ if d is positive, यहाँ if d is negative, तो इसका जो root होगा वो imaginary होगा, imaginary root मिलेगा, ठीक है। Quadratic equation में हमें बस इतना ही काम है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके ही लिखिएगा, इससे हम साइड होकर टाइम दे ले रहे हैं आपको कि आप वीडियो पॉज कर पाए। अच्छा, दो क्वेश्चन हम लोग
दूसरा लिखते हैं, आप लोग कर लीजिएगा खुद से ही, दिक्कत हुआ तो क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इसका रूट निकालो, और एक और है इसका रूट निकालो, होगा बहुत सीरियस खुद निकालो तो पहले। चलो देखते हैं, देखते क्या आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर दो होगा, एक टू आएगा और एक थ्री आएगा, और इसका आंसर ऐसा होगा, ठीक है। पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, उसके बाद मैच कर लीजिए आंसर, अगर ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर या तो क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो। हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिए। एक और कंसेप्ट होता है, ये यूं ही कभी कभी काम आ जाता है, ये इसका फिजिक्स में कोई खास यूज क्या, मतलब यूं बोलो यूं ही जबरदस्ती का टॉपिक गुजार है। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है ए प्लस बी, ठीक है, और मैं इसमें से बोलूं कि सी कॉमन लेकर आप दिखाओ, तो आप सोचोगे आप इसमें तो सी है ही नहीं, कॉमन कैसे लो, बट नो यू कैन कैसे, तो देखिए ऐसे कर सकते हो सकता है ना, कट जाएगा वापस वही आ जाएगा। तो कॉमन लेना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का इक्वेशन हो उसमें से कुछ भी कॉमन लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सी कॉमन लिए, देखो ना अभी चाहे इसको सॉल्व करके देखना कि वापस वही आ रहा नहीं आ रहा, तो हम लोग देख लेते हैं। ये देखो ये कैंसिल आउट, या इक्वल इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, अभी देखो हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा ई प्लस टी, तो मतलब सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, सेम ही रह गया। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सर इसमें ये टर्म तो दिख नहीं रहा, कॉमन कैसे ले, तो ले सकते हैं कॉमन, और इसका यूज कई बार आता है, हम लोग कई बार इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फिजिक्स में इस तरह से कुछ कुछ कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने का तो सिंपल दिखे ताकि याद हो पाए, तो दिक्कत ना हो बाद में, बस इसके लिए इसका कोई खास यूज नहीं, फिजिक्स नहीं है ना ही मैथ्स है, बस लॉजिक है काम। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, दो फॉर्मूला बस देखना, 10th टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, n कॉमन रेशियो, सॉरी n इज nth टर्म, जो टर्म आपको निकालना है वो n है, एंड d इज कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म nth टर्म, ये देखना हो तो ऐसे देख सकते हो, मान लो ये ap, ap मतलब सिंपल सा आप पढ़ चुके हो फिर भी बता दे रहा हूं, इस तरह से जब कोई सीरीज किसी खास नंबर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा हो तो उसको बोलते हैं ap। देखो दो में दो ऐड के चार आया, चार में दो ऐड के छह आया, छह में दो ऐड की आठ आया, आठ में दो ऐड के दस आया, एंड सो ऑन। इसमें ये जो टू है ना, दिस इज ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंथ टर्म, जैसे मान लो देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, उसी तरह करके अगर मान लो पूछे कुछ दसवां टर्म क्या होगा, दसवां टर्म का वैल्यू बताओ, उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो दसवां टर्म पूछा गया तो टेंथ क्या होगा, एन का वैल्यू, ए क्या है पहला टर्म कितना टू, और डी इज कॉमन, कॉमन रेशियो नहीं बोलते इसको, अर्थमेटिक नहीं बोलते, कॉमन रेशियो तो ए को बोलते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, इसको कॉमन रेशियो नहीं बोलते आप,
नाम मैं बोल रहा हूँ, बट डी इज एक्चुअली फंडामेंटल डिफरेंस होता था, फंडामेंटल डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस मीन्स कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो कितना है टू, यहाँ पे कितना है टू, यहाँ देख लो टेन में से एट घटाओ कितना आएगा टू, फोर में से टू घटाओ कितना आएगा टू, मतलब फंडामेंटल डिफरेंस किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दैट इज डी, तो यहाँ कितना डी टू के बराबर। अब जरा देखो मुझे टेंथ टर्म चाहिए था, ए इज टू प्लस एन इज टेन माइनस वन इंटू फंडामेंटल डिफरेंस कितना है टू, सॉल्व कर लेते ना, टू प्लस नाइन इंटू टू एटीन, तो ये कह सकते हैं कि सर टेंथ टर्म जो होगा वो ट्वेंटी होगा, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, देखते हैं। सम का भी लिखी देता हूं, एस एन एन बाई टू टू ऐसे एन बाई टू टू एस प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये nth टर्म जैसे मान लो यहां पे मैं बोल दूं कि अच्छा इसका फर्स्ट फाइव, चलो टेन नहीं, फर्स्ट फाइव टर्म का ये अलग हो गया, अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट फाइव टर्म का मुझे सम चाहिए, तो n क्या है फाइव, फर्स्ट फाइव टर्म का चाहिए ना हमें, तो n कितना हो गया फाइव बाई टू इंटू टू एट, टू इंटू ए कितना फर्स्ट टर्म टू प्लस n, कौन सा टर्म का मुझे सम चाहिए था, कितने टर्म का, पांच टर्म का, तो फाइव पुट होगा माइनस वन इंटू फंडामेंटल डिफरेंस टू, है ना। ये क्वेश्चन हमें किसके लिए सॉल्व करें, एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ गिवन एपी, कोई एपी हमें दिया हुआ है उसका फर्स्ट फाइव टर्म का सम चाहिए हमें, और एपी गिवन कौन सा, ये वाला है, ये वाला, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहां पहले सॉल्व कर ले फिर बाहर से सॉल्व करेंगे, ये कितना 4 इंटू टू 8 और ये 4 8 और 4 12, चलो लिख ही देता हूं, होगा आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 5 बाई 2 इंटू 12 30, तो देख ले 30 आना नहीं आ रहा, पहला पांच टर्म का सम में 30 चाहिए जो वहां आया हमारा, देखते हैं 10 ये 8 और ये 2 वो ऑपोजिट है 10 ये 4 और ये 6 कितना 10, तो देखो 10 10 20 10 30 हो गया टोटल 30, ठीक है। दिस इज एपी, कुछ खास टाइप के क्वेश्चन में ही यूज आना, ज्यादा यूज नहीं है, बहुत कम यूज है। यहां खास बात देखो, हर अगला टर्म में पीछे वाले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके बनाया गया है, हर अगले टर्म में कुछ नंबर ऐड किया गया, सॉरी हर पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके अगला टर्म बनाया गया है, पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके अगला टर्म बनाया गया है, पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके अगला टर्म बनाया गया है, पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके अगला टर्म बनाया गया है, बट जब हम लोग अब आगे देखेंगे, फटाफट से एक बार पॉज करो लिख लो, ठीक है मैं मिटा रहा हूं। जीपी इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जीपी। देखो वहां बार बार देखे थे, पिछले टर्म में कुछ नंबर ऐड करके अगला टर्म बनाया गया, यहां क्या है पिछले टर्म में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बनाया गया, पहला ए है इसमें देखो कुछ मल्टीप्लाई की आर अगला टर्म बना, फिर ये जो पिछला टर्म है इसमें कुछ नंबर वापस से वही वाला नंबर सेम टू सेम वापस से वही नंबर मल्टीप्लाई करके अगला टर्म, देख रहे हो
हर अगला टर्म पिछले वाले में। देखो तो जरा दोनों में डिफरेंस क्या है, आर का, यहां भी आर का, और क्या किया एक्चुअली में, ये आर मल्टीप्लाई किए पिछले टर्म में, आर मल्टीप्लाई किए आर बना, ए आर में आर मल्टीप्लाई किए ए आर स्क्वायर बना, ए आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई किए ए आर क्यूब बना, ए आर क्यूब में आर मल्टीप्लाई किए ए आर का पावर फोर बना। मतलब खास बात ये कि हर पिछले टर्म में कोई खास नंबर हम मल्टीप्लाई किए तो उसका अगला टर्म बन गया, ठीक है। तो बहुत खास बात है, ध्यान देना, यहां पे भी सेम वही टर्मिनोलॉजी है, ए इज फर्स्ट नंबर, यहां आर है, इसको बोल रहे हैं कॉमन रेशियो, जो गलती से वहां लिख लिए, आर इज कॉमन रेशियो, ठीक है। और वापस एन तो जो टर्म होगा, ठीक है, एग्जांपल देख लें, चलो देख ही लेते हैं, एक टू है, फिर फोर, फिर एट, फिर सिक्सटीन, फिर थर्टी टू एंड सो ऑन। देखो दो से मल्टीप्लाई किए, दो से मल्टीप्लाई किए, दो से मल्टीप्लाई किए, दो से मल्टीप्लाई किए, यहां मल्टीप्लाई किए हैं, है ना, वहां क्या किए थे, ऐड कर रहे थे, दो दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, यहां दो दो के बाद चार और चार के बाद आठ, आठ के बाद सोलह, सोलह के बाद बत्तीस, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि यहां पे हर पिछले टर्म में एक नया नंबर मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बना रहे हैं, ठीक है, और जो नंबर मल्टीप्लाई कर उसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। खास बात यहां पे, यहां आगे देखेंगे, चलो यहीं देख लेते हैं, ये जीपी दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो तरह का, एक इंक्रीजिंग, एक कैसा इंक्रीजिंग, और एक होता है डिक्रीजिंग। अपने को जो काम आना है फिजिक्स में, दैट इज डिक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग नहीं। इंक्रीजिंग जीपी का एग्जांपल देख लो, ये नंबर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फाइनली इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा। डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी मतलब जैसे देखो ये है टू, इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई किए तो बन गया वन, क्या मल्टीप्लाई किया सोचो तो, वन बाई टू मल्टीप्लाई किया ना, फिर से वन बाई टू मल्टीप्लाई करो क्या होगा, फिर से वन बाई टू मल्टीप्लाई करो, फिर से, फिर से, फिर से, और ये घटते घटते भी इनफाइनाइट जाएगा, और ये निगेटिव वाला इनफाइनाइट आना, जीरो से कम होगा या हम सिर्फ इनफाइनाइट लिखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव छोड़ देते हैं, वो मैथ्स का हमें कैसे डिफरेंट डेफिनेशन में आएगा, जहां पॉजिटिव और निगेटिव में फंसेंगे, यहाँ नहीं फंसना आप देखो, तो देखो ये घट रहा है ना, घट रहा है, और सबसे अजब बात यह है ना, ये गलती लिखा गया, इनफाइनाइट नहीं जाना, ये घटते घटते फाइनली जीरो होना, कितना जीरो, ये बहुत सही चीज ध्यान में आया था, ये आपको टर्म को याद भी रखना है कि जब इंक्रीजिंग जीपी होगा, जब इंक्रीजिंग जीपी होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या आना है, इनफाइनाइट, और जब डिक्रीजिंग जीपी होगा, डिक्रीजिंग जीपी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग जीपी में लास्ट जो भी होना है वो फाइनली कितना होगा, जीरो, क्योंकि जीरो के बाद तुम इसको वन बाई टू से इंटू भी करोगे तो क्या बनना है, जीरो ही तो बनना, ठीक है। तो डिक्रीजिंग जीपी में लास्ट क्या, जीरो, इंक्रीजिंग जीपी में लास्ट इनफाइनाइट, ठीक है। यहीं पे लिखता हूं, यहां पे भी nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म कितना होगा, ए आर एन माइनस वन, पावर में है n माइनस वन, याद रखना, सम वाले का भी देख लेते हैं, हो गया इतना, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से लिख लीजिए, ये सम ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एपी में सम ऑफ एन टर्म देखे थे, पर जीपी में सम ऑफ एन टर्म देख रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म, एस एन नहीं, एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर, ठीक है।
सर डिक्रीजिंग जीपी के लिए बात करो तो जरा इसी फॉर्मूला में क्या चेंज आया है? अगर हम डिक्रीजिंग जीपी का बात करें तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डिक्रीजिंग जीपी में लास्ट टर्म कितना होगा, अभी बात की तो जीरो, आर का पावर एन क्या होगा लास्ट टर्म में, आर पे पावर एन है, मान लो करोड़ों जीपी होगा, ठीक है, तो करोड़ों में तो मतलब जितना एक बार तुम बढ़ते 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 फाइनली एक समय के बाद ये एन है, और अगर लास्ट टर्म का बात करो डिक्रीजिंग जीपी में लास्ट टर्म के लिए, ऐसे करो फॉर डिक्रीजिंग जीपी फॉर इनफाइनाइट टर्म, ऐसे करो, अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बात करोगे तो आर का पावर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग में क्या होगा जीरो, तो ये जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा फाइनली, देखो तो ये चेंज हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर का पावर इनफाइनाइट, और ये निगेटिव में तो ये कितना होना है जीरो, ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए इंटू वन माइनस जीरो बाई वन माइनस आर, मतलब ए बाई वन माइनस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि आपको जो काम आना है वो डिक्रीजिंग जीपी में ही काम आना है, कैसे आएगा क्यों आएगा कब आएगा वो देखेंगे, बट बस इतना याद रखो कि डिक्रीजिंग जीपी में ही आपको ये वाला फॉर्म काम आना है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जो फिजिक्स में यूज होगा, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से याद रखने बजाय इसके ए बाई वन माइनस आर, चलो ना ये फॉर्मूला लिखे ना लगे हाथ एक और काम करते हैं, पिछले बार भी थोड़ा देर पहले डिक्रीजिंग जीपी का एक एग्जांपल लिए थे है ना, वहां पे सर टू से शुरू किए थे ना, इस बार वन से शुरू करते, चलो ये हाल तो ये डिक्रीजिंग जीपी है, हमको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बता दो जरा इस जीपी का, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का मुझे सम चाहिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें भी ये डिक्रीजिंग जीपी है दिख रहा है घट रहा है धीरे-धीरे नंबर, इनफाइनाइट टर्म्स का बात हुआ ये भी दिख रहा है मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए था, तो इसको मैं क्यों सोचे, मुझे इस पे सोचना, तो जब इस पे सोचेंगे तो राजा सोच के देखो, तो जरा सोचो क्या होगा, ए बाई वन माइनस आर, ए कितना पहला टर्म वन बाई वन माइनस आर इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई हुआ जरा देखो तो 1 बाई टू, इन दोनों में भी 1 बाई टू, इन दोनों में भी 1 बाई टू, ये कितना होगा 1 बाई टू, सॉल्व करो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई टू को जब सॉल्व करोगे ऊपर तो 1 ही नीचे क्या होगा 2 माइनस 1, मतलब ये चेंज हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू 2, मतलब क्या आंसर आ गया 2, देख रहा ये 2 ऊपर जाएगा ऊपर आ गया, ये तो 2 माइनस 1 1 ही होना, ये 1 था तो 1, इस 1 का 1, 2 माइनस 1 1 और ये वाला 2 ऊपर चला गया इंटू 2, आंसर क्या आ गया, ठीक है तो ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नहीं मतलब ये तरीका, एपी और जीपी दो टाइम हम लोग देख लिए, बता रहा हूं फटाफट पॉज करो, चलो अब आगे, नेक्स्ट इज मॉड्यूलस, बहुत सिंपल सा है ये, मॉड्यूलस क्या होता है तो इसके बारे में आप पहले ही जान लीजिए कि मॉड्यूलस सिंपली मींस कि आप दो टर्म किसी भी टर्म को अगर मॉड्यूलस इस सिंबल को बोलते हैं, और मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि आप इस सिंबल के अंदर कुछ भी रखिए, जैसे मान लो मैं इसे रखता हूं टू टू, तो इससे जो आंसर आपको जो लिखना है अगर मान लो टू के आगे मॉड्यूलस लगा है तो आपको जिसको बाहर निकालना होगा टू, अगर इस मॉड्यूलस के अंदर माइनस टू लिखा है तो भी आप बाहर क्या निकालेंगे टू, मतलब अंतर क्या दिख रहा है, यहां पे पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव, निगेटिव हो तो भी निगेटिव, मतलब फाइनली आपको करना ये है कि अंदर में कुछ भी हो, अंदर में कुछ भी हो आप जो बाहर निकालेंगे वो फाइनली क्या होगा पॉजिटिव, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 दोनों का आंसर कितना आना
क्यों ही आना, और पॉजिटिव में ही आना। यहाँ एक्चुअली में कितना आ रहा है देखो, तो एक्चुअली में सॉल्व करने पे आएगा माइनस टू, लेकिन मॉड्यूलस होने की वजह से फाइनली बाहर क्या आया, प्लस टू। यहाँ तो आ ही रहा है प्लस टू, तो बाहर भी प्लस टू ही आया, समझे बात। तो एकदम दिमाग में ये रखना है कि मॉड्यूलस है मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब कि यहाँ पे जो भी साइन था आप उसको स्किप कर दी, देखो ना ये साइन था ना नेगेटिव, आप उसको स्किप कर चुके। तो आपको साइन से कोई मतलब नहीं होना है मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस रहा तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज। हटा रहा हूं जल्दी, लिखो, समझने में दिक्कत हो वापस से वीडियो देखोगे, फिर भी दिक्कत हुआ कॉन्टैक्ट मी, क्लास में, क्लास के बाद या कभी भी टाइम निकालकर मैं आपको बताऊंगा, बट दिक्कत हो आप तुरंत बोल दो। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है x माइनस टू इज इक्वल टू फोर, जरा x का वैल्यू बताओ, तो सिंपल है, तुम लोग बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, सीधा टू इधर जाएगा और सिक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं ऐसा दे रहा हूं, अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात आना चाहिए, x माइनस टू फोर है, ठीक है, तुमको ये सोचना है कि अगर तुम ये मॉड्यूलस हटाओगे तो यहां प्लस माइनस दो सिंबल डालो इस मॉड्यूलस को, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं ऐसा, मॉड्यूलस हटाए तो ये ऐसा, मतलब कि मॉड्यूलस हटा देने के बाद, या इसको ऐसे भी नहीं ऐसे समझो, ये बस समझाने का तरीका है, मॉड्यूलस डेफिनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे समझो। मतलब ये कि जब तुम ये मॉड्यूलस हटा रहे हो तो यहां चाहे प्लस आए इसको सॉल्व करने पे या इसको सॉल्व करने पे माइनस आए, तो फाइनली लोगे क्या, प्लस ही लेना है तुमको। तो अगर मैं पूछूं जरा बताओ इस इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आएगा, तुम बोल दिए सिक्स, पक्का सही बात है। यहां पूछे x का वैल्यू क्या आएगा, तुम थोड़ा सोचोगे, सोचने के बाद क्या जवाब दोगे वो मैं बताऊंगा, तुम ऐसे कर सकते हो प्लस x माइनस टू इज इक्वल टू फोर, सही बात है, बिल्कुल यही वाला सॉल्व किए। तभी तुम ऐसे भी सोचोगे माइनस में इज इक्वल टू फोर, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर, फिर तो बात वही आ गया, बात वही आ रहा है ना, बिल्कुल वही आ रहा है, माइनस टू प्लस फोर तो एक्स इज इक्वल टू, नहीं नहीं बात वही कैसे आएगा, अंतर हो जाएगा जो चाह रहे थे वही होगा। देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, दो आंसर आ गया, देखो एक बार प्लस रखने पे अलग आया और माइनस रखने पे अलग आया। अब जरा दोनों को पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, सिक्स पुट करेगा तो क्या होगा, सिक्स माइनस टू फोर पॉजिटिव है, सही बात है वही आंसर आना, माइनस टू पुट करो तो माइनस टू माइनस माइनस टू, सॉरी ऐसा नहीं, माइनस टू माइनस टू, यहाँ एक्स वैल्यू अगर ये वाला पुट करोगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा माइनस टू माइनस टू, क्या होगा माइनस फोर। लेकिन चूंकि ये पूरा टर्म मॉड में है, मॉड में है, चूंकि पूरा टर्म मॉड में है इसीलिए जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा प्लस फोर। तो अगर मॉड हो तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना आंसर, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और अगर प्लस माइनस बदल दे तो आंसर दो आएगा बिल्कुल, अगर मॉड नहीं रहा तो फिक्स है, बट अगर मॉड रहा तो खेल है, अगर ये प्लस रहा तो आंसर कुछ और आएगा, नेगेटिव रहा तो आंसर कुछ और, समझे। चलो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा ट्री को देखेंगे।